मैं बिहार की जनता और बिहार वासियों के प्रति आभार प्रकट किया करता हूँ कि उन्होंने श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने का अवसर दिया, जनादेश दिया और नीतीश कुमार जी के कार्यों पर भरोसा किया, इसलिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और आपके माध्यम से बिहार की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, गांव को स्मार्ट बनाए जा रहे हैं, गांव को सुविधा संपन्न बनाया जा रहा है, आज़ादी के इतने दिनों बाद जहाँ गांव में शुद्ध पीने का पानी नहीं था, जहाँ गली और नली का निर्माण नहीं हुआ था, जहाँ घर घर बिजली नहीं पहुँची थी, जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के स्कूल के भवन नहीं थे, जहाँ स्कूलों में शिक्षक नहीं थे और भी अनेक प्रकार के गाँव में गाँव को समृद्ध बनाने के लिए गाँव को पक्की सड़क जोड़ने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार ने किया है। उन उपलब्धियों को हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहते हैं। ये गांव घर घर में नल का पानी नहीं पहुंचा था, वहां 97% घरों में नल का पानी पहुंच गया। और ये पानी पहुंचाने का जो विजन है, पानी पहुंचाने का जो सोच है, बिहार के मुख्यमंत्री जी की सोच है। आज गांव में लोग पानी क्या पीते थे, कोई नल का पानी पीता था, बहुत कम लोग पीते थे, जो संपन्न लोग थे वो नल का पानी पीते थे। कुएं का पानी पी करके, तालाब का पानी पी करके जिंदगी बसर करने वाले लोग को आज घर में नल का पानी मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि नीतीश कुमार जी ने गांव को स्मार्ट बनाया, गांव के बारे में सोचा। और महात्मा गांधी का जो सपना था, महात्मा गांधी जो सोचते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोचते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर सोचते थे, सरदार पटेल सोचते थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सोचते थे, उस सपने को अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोचते थे, उस सपनों को अगर किसी ने धरातल पर उतारने का काम किया तो उसका नाम नीतीश कुमार जी है। ऐसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है बिहार में, उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता। चाहे त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% आरक्षण का सवाल हो, चाहे महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण हो, चाहे महिलाओं को अन्य जगहों पर लगाने का काम हो, तो ऐसे जगहों पर हम महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहे हैं। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, जीविका के माध्यम से राज्य में 10,30,000 अभी तक हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह बनाया है। 1,27,00,000 परिवारों तक हम लोग उसमें पहुंच गए हैं। और इसी प्रकार से विभिन्न बैंकों के द्वारा 9,39,465 स्वयं सहायता समूह के बचत खाता खोले गए हैं, तथा अब तक कुल मिलाकर 16,820 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई है। समूह सदस्यों के द्वारा अब तक कुल 1,450 करोड़ रुपये बचत किए गए हैं। 2006-07 से लेकर 2009-10 तक कुल 16,057 किलोमीटर सड़कें, वर्ष 2010-11 से 14-15 तक 40,496 किलोमीटर, और 2015-16 से लेकर 19-20 तक कुल 39,111 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया। जो लोग तटबंध पर के किनारे, जो तालाब और आहार और पैन में बसे हुए हैं, उनको भी जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपया राज्य के खजाने से, और अगर उनके पास मकान नहीं है तो मकान बनाने के लिए भी 1,20,000 रुपया देते हैं। ये तीनों योजना बिहार से बाहर नहीं है, कहीं नहीं है। ये बिहार के मुख्यमंत्री जी के गरीबों के प्रति उनका समर्पण, गरीबों के प्रति चिंता प्रदर्शित करता है। सिर्फ ये कहते नहीं हैं बल्कि ये कर दिखाते हैं। ये काम बिहार की सरकार ने किया है। 2016 से लेके 2021 तक जो अभी हमें लक्ष्य मिला है, कुल 27,33,664 लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें हमने घरों को पूर्ण करा लिया, 21,89,155 घरों को पूर्ण करा लिया। अब तक 19,34,000
छोटे और सीमांत कृषकों को कृषि संबंधी गतिविधियों से जोड़ा गया है। कृषि विभाग के समन्वय कर संकुल संघों द्वारा 137 कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना किया गया और इसका संचालन किया जा रहा है। 1595 पशु सखी को प्रशिक्षण दिया गया है कि पशु सखी यानि बकरी पालन हो, पशु पालन हो और अन्य तरह के जो मुर्गी पालन हो उस तरह के इनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि उनके किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो, उसकी देख रेख भी ये करते हैं। कौशल विकास एवं नियोजन में अब तक कुल 329,000 युवाओं को नियोजित किया गया है। यानि जो हमारे युवा हैं और कौशल विकास के अंदर जो उन्होंने ट्रेनिंग दिया उसमें 329,000 से भी ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने उसमें काम में लगाया। आज वो आत्मनिर्भर हैं तो कहते हैं कि रोजगार ही नहीं मिला, कहते हैं कि बिहार की सरकार सिर्फ घोषणा करती है। अरे भाई, हमको घोषणा करने में विश्वास नहीं है, हमको तो काम करने में विश्वास है। और ये जो हमारे आंकड़े हैं आप चाहें तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। और आपको अगर टीन का चश्मा नहीं लगाए हैं तो निश्चित रूप से आपको सही बात झलकेगा।